हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा संदेश ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का ये जो वीडियो मैं उसमें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ये लुक मैंने वट सावित्री के लिए किया है। आप इसको वेडिंग में भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा रही हूँ अपना मोस्ट फेवरेट अपना सनस्क्रीन, जो मेरा बहुत ही फेवरेट है। मेरे गर्मियों के दिन में ये मेरी स्किन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसमें इसे अप्लाई कर लूँगी। और मैं कोई भी प्राइमर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करती हूँ। गर्मी के दिन में मैं बहुत ही सिंपल तरीके से एक अपना सनस्क्रीन यूज़ कर लेती हूँ। देन उसके बाद बारी आती है हमारी कंसीलर की। तो कंसीलर मैंने यहाँ पे लिया, ये डार्लिंग विलेजा का कंसीलर है, जो बहुत ही प्यारा कंसीलर है। बहुत सारे कंसीलर अवेलेबल हैं 200 के अंदर में, तो आप इसे भी अप्लाई कर सकते हो। इसे मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे करना है सबसे पहले आई मेकअप इसके लिए। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ कि जो भी मैंने कंसीलर लगाया था उसे मैं कॉम्पैक्ट के हेल्प से सेट कर ले रही हूँ। ये कॉम्पैक्ट जो है ये NY का है, आप इसे परचेस कर सकते हो। तो ये भी 200 के अंदर में ही आता है। मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हो। वेट एंड वेल्ड का ये किट है जो आईब्रो फिल कर रही हूँ मैं हमेशा इससे ही आईब्रो फिल करती हूँ। आपने नोटिस किया होगा, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें ब्रश अवेलेबल है, प्लकर भी अवेलेबल, तो मैं इसे अच्छे से आईब्रो फिल कर लिया। आईब्रो फिल करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज अपने आईब्रो को हाईलाइट करना है, तो मैंने यहाँ पे कंसीलर लिया और अपने एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रो को हाईलाइट कर रही हूँ, हल्का हल्का ऊपर एंड हल्का हल्का नीचे, जिसे मैं बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। तो इसे अच्छे से हाईलाइट कर लेना आपको, ताकि आईब्रो जो है ना आपको बहुत ही अच्छा दिखे। देन उसके बाद बढ़ जाते हैं हमारे आईशैडो की। तो आईशैडो के लिए मैंने यहाँ पे लिया STR का ये पैलेट। इसमें से मैं ऑरेंज शेड ले रही हूँ, जो अपने आईज पे पूरे अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। आपको मैं आईज का कलर बहुत ही नॉर्मल रखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ग्लिटर अप्लाई करना है। तो मेरा ये साड़ी ब्लू है, तो मैंने ब्लू कलर का ये साड़ी लिया है, जिसमें मैं आउटर वेस से लूँगी और अपने इनर कॉर्नर तक लेके जाऊँगी। क्रीज के ऊपर नहीं जाना है, हमें क्रीज से नीचे ही रहना है। तो इनर कॉर्नर तक मैं लेके जाऊँगी हल्का। अब हम एकदम अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। ये जो ब्रश है मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी, आप वहाँ से परचेस करना और आप उससे ही एक बार ट्राई करना। अच्छे से ब्लेंड करना आपको। ब्लेंड करने के बाद आप देखोगे मैं इनर कॉर्नर पे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, जिस तरह से आउटर वे पे और इनर कॉर्नर पे, आपको दोनों जगह पे अच्छे से ब्लेंड करना है। ये जो मैंने साड़ी पहना है ये मैंने ऑफलाइन लिया था, तो मैं इसका भी जल्दी वीडियो आने वाला है मेरे चैनल पर। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ना क्यों ना ग्लिटर अप्लाई करूँ। तो ग्लिटर के लिए मैंने यहाँ पर आई ग्लू लिया हुआ है, जिसे मैं अपने आईलेट पर अप्लाई कर लूँगी। देन मैं अच्छे से ग्लिटर अप्लाई करूँ। पहले मैं ब्रश से लगा रही थी, पर मुझे ऐसा लगा कि ब्रश से वो अच्छे से ग्लिटर हमारी आँखों पर आ नहीं रहा था, तो मैंने फिंगर की हेल्प से उसे अच्छे से स्टिक कर लिया, बहुत अच्छे से। तो स्टिक कर लिया मैंने, और मैं यहाँ पे फॉल्सेस लगाऊंगी जो ऑफ कैमरा रहेगा। तो मैं अच्छे से ग्लिटर को अप्लाई कर ले रही हूँ। उसे आप देख सकते हो ब्लू है, आपकी साड़ी में जो कलर आप वो कलर ले सकते हो, रेड तो रेड, ग्रीन तो ग्रीन, जैसा आपको अच्छा लगे। मेरे पास ब्लू था इसके लिए मैंने ब्लू लिया। मैंने दोनों आईज में सेम कर लिया। देन मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ ब्रश की हेल्प से, ताकि जो भी हाथ लाइन मुझे ना दिखे। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉल्सेस अप्लाई करूँगी। तो अभी मैं जो अप्लाई करने वाली हूँ लाइनर, जो लाइनर होगा मेरा वो SQ का लाइनर है, बहुत ही प्यारा लाइनर और लॉन्ग लास्टिंग लाइनर है। इसे मैं एक पतली सी लाइन ड्रॉ करूँगी, बहुत ही पतली, ज़्यादा मोटा नहीं करना और ज़्यादा बाहर बड़ा मतलब पतला भी नहीं करना है। उसके बाद मैं इसे आउटर वे से थोड़ा बाहर लेके जाऊँगी, ताकि वो एक शेप दिखे हमारी आईज का, थोड़ा आईज हमारा बड़ा दिखे इसके लिए। हाँ, और उसके बाद जो भी मेरा फॉल आउट हुआ था मैं उसे रिमूव कर ले रही हूँ, क्योंकि अगर आप ग्लिटर अप्लाई करो तो फॉल आउट आपको ज़रूर होता है। तो आप बल्ब्स की हेल्प से फॉल आउट को रिमूव कर लो। अगर उससे रिमूव नहीं होता तो आप कॉम्पैक्ट लगा सकते हो, उसे बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाता है। उसके बाद मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से जो हमारा ब्लू कलर है उसे मैं लोअर लैश पर लगा ले रही हूँ, ताकि हमारा आई लुक और भी अच्छा दिखे। तो सी, मैंने यहाँ पर ऑफ कैमरा फॉल्सेस लगा लिया है। देन हमारी बारी आती है मस्करा की। तो मस्करा के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मेबलिन का ये मस्करा, बहुत ही प्यारा मस्करा। आप मेरे ऑलमोस्ट वीडियो में देखोगे मैं ये मस्करा को ज़रूर यूज़ करते। इसका मेरे पास तीन है, मैं तीनों का लिंक आपको दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। उसके बाद हमारी बारी आती है काजल की। तो काजल एकदम भर भर के लगाना है हमें। तो मैंने यहाँ पे लिया है ये NY का काजल है, ब्लैक, डार्क ब्लैक है, आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अब हमारी बात आती है फेस मेकअप। हमने आई लुक ऑलमोस्ट पूरी की पूरी कंप्लीट कर लिया है। फेस मेकअप के लिए यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लिया है, ये हमारा जो नॉर्मल हमारा फिटमी का फाउंडेशन है, बहुत प्यारा। इसका सेट 120 न्यूड है, मैं आपको इसका भी लिंक दे दूँगी। ये फाउंडेशन आप अप्लाई करो, लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है, बहुत प्यारा फाउंडेशन है। उसके बाद मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। ब्लेंड के लिए आप हमेशा अपने ब्यूटी ब्लेंडर को एक वेट कर लो, गीला कर लो, जिससे आपका बहुत ही ईजी ब्लेंड हो जाता है। ब्लेंड होने के बाद हमें यहाँ पर अपने जो हमने सेट करना हमारे फाउंडेशन को, तो मैं
मैं यहाँ पे लूज़ पाउडर यूज़ करूँगी। ये जो लूज़ पाउडर ये शुगर का है, इससे लूज़ पाउडर से सेट करने से क्या होता है कि हमारा जो मेकअप है ना वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है और हमें पसीने भी कम आते हैं। इसके लिए जिसको ज़्यादा पसीना आता है वो इस तरह का लूज़ पाउडर से अपने जो फाउंडेशन लगा रहे उसे आप सेट कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे ये कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, ये कॉम्पैक्ट शुगर का कॉम्पैक्ट है, इसे मैं अच्छे से अपनी हर जगह पे अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। देन हमारी बारी आती है कॉन्टोर, हाइलाइटर और ब्लश, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया ये शुगर का पैलेट। इसमें से मैं कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ, तो कॉन्टोर मैंने अच्छे से मुझे जहाँ जहाँ चाहिए मैं चिक कॉन्टोर, नोज कॉन्टोर में कर ले रही हूँ। इस लुक को ना गाइज आप ब्राइडल के लिए भी कर सकते हो, अगर आप किसी की शादी में जा रहे हो तो भी इस लुक को जरूर करके जाना। और मराठी में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, गुड़ी पड़वा होता है, तो ऐसे लुक को आप जरूर कर सकते हो। वटसावित्री में तो ये लुक बहुत अच्छा लगेगा। ये ब्लश जो है मेरा, यहाँ पे मैंने जो ब्लश लिया ये शिरोन का ब्लश पैलेट है, इसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ अपने चैनल पे। तो ये शिरोन का ब्लश पैलेट है, बहुत ही प्यारा ब्लश पैलेट है, और ब्लश तो हमेशा हमें स्माइल करके लगाना चाहिए। हाइलाइटर मैंने यहाँ लिया है बटन वेल्ट का हाइलाइटर है ये, जिसे मैं एक ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर ले रही हूँ, क्योंकि ये जो नॉर्मल जो आइस ब्रश है ना उससे हमारे हाइलाइटर बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो जाते हैं। तो जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना मैं वहाँ वहाँ अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। देन हमारी बारी आती है लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ लिया था हुडा ब्यूटी का मरून कलर, पर मैंने जब इसे अप्लाई किया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये कलर, डार्क नहीं था। उसके बाद मैंने विक्टोरिया का ये लिपस्टिक लिया है, जिसे मैं लिक्विड लिपस्टिक जिसे मैं अप्लाई करूँ, और जब दो सेड को हम अप्लाई करते हैं ना लिप पे तो उसका जो अलग सा सेड आता है ना वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ, तो आप भी ट्राई कर सकते हो ऐसा कुछ। देन हमारी बारी आती है मेकअप फिक्सर की, तो यहाँ पे एसक्यू का मेकअप फिक्सर था और मैंने ऑफ कैमरा ही अपना जूरा अप्लाई कर लिया था, जूरा बना लिया था, ज़्यादा कुछ नहीं, साइड से ही मैंने ट्विस्ट करके क्लिप लगा के और प्यारा सा जूरा बना के वहाँ पे छोटा सा गजरा लगा लिया था, साइड से मैंने हेयर को निकाल दिया था फ्लिप्स की। और देन ईयरिंग्स पहना, मैंने जो नेकलेस पहना है वो मैंने ऑफलाइन लिया था, और ये जो मैंने नोज रिंग पहना ये मैंने अमेजोन से लिया था, इसका भी लिंक आपको दे दूँगी। मेरे पास चांद बिंदी नहीं थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लिपस्टिक से चांद बिंदी बना दूँ, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप ऐसा ज़रूर एक बार ट्राई करना। तो मैंने लिपस्टिक से इस चांद बिंदी अप्लाई कर लिया। देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मराठी में जो आता है वो ग्रीन बांगड़ी, जो मैंने अप्लाई कर लिया है। तो गाइस ये था मेरा फाइनल लुक, आई होप आपको ये लुक पसंद आया होगा। ये लुक करने में मुझे बहुत मेहनत लगा है, क्योंकि आप जानते हो कि मराठी लुक करना मुझे आता नहीं है। आई नो कि लुक अच्छे से नहीं हो पाया, बट मैंने जो ट्राई किया है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा गाइस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।